सो का मतलब आई डाउट आई डाउट ऑन दिस यू डाउट एंड उसको कॉम्प्लेक्स करें और कॉम्प्लेक्स करने के बाद चीजों को स्ट्रक्चर को, की तरफ लेकर आए मोर यू गेट एजुकेटेडी आपका आइडिया आसान हो जाएगा सो लेट्स अंडरस्टैंड अनसर्टेनिटी सर्टन सर्टन का आउट अगर उसको आउटफ्लो चेंज कर दूं अनसर्टेनिटी बन जाएगी यानी वो चीज जो अननोन है अब अननोन द डिफरेंस बिटवीन शम पीटर एंड आ, इसके ऊपर बात करते हैं नाइट थेरी इसके बारे शंपीटर साहब क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एसेंशियली वो लॉजिक के आदमी है बट वो लॉजिक को शंपीटर साहब जो है वो उसके साथ रिलेट करते हैं सो ही सेस शंपीटर अप्रोच इज द एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स इंट्यूशन इन द लीप ऑफ लॉजिक शंपीटर साहब का आइडिया यहां पर क्लियर है और वो यहां पर वो बोलते हैं कि इंट्यूशन तो है लेकिन उसके साथ मुझे लॉजिक भी चाहिए जैसे मैंने आपको ये कहा ब्यूटी, पॉजिटिविटी तो मैं नहीं ले सकता तो मैं क्योंकि ह्यूमन भी हूं ह्यूमन है तो डाउट है, डाउट मैंने तो को भी है। वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स करो अब इंट्यूशन जब आपके पास आती है तो उस वक्त आपके पास ऑब्जेक्टिव सूरत मारूजी हालात आपके सामने नहीं होते बाजुकात मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज का इनिशिएट लेने जा रहा हूं उसके ऊपर अभी फिलहाल मुझे कोई डेंजर महसूस नहीं हो रहा लेकिन मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि आने वाले वक्त में ये फला फल चीज होगी अब ये कहेंगे कि ये मेरी प्रिडिक्शन है या मेरे पे गैबी गैब उतरते हैं कि आते हैं मज़ामीन ख्याल में गैब से ख्याल में मजामी आते हैं लेकिन मुमकिन नहीं है कि हर किसी को सही वाले आते हो सो इंट्यूशन के लिए भी आप याद रखें कि दो तरह की चीजें होती हैं एक शऊर है एक लाशूर है एक तहत शूर है ये तीन चीजें बन गई यानी कॉन्शियस अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस सो मेरे मुताबिक जो लॉजिक है आ, या इंट्यूशन है वो सब कॉन्शियस के अंदर कहीं पड़ी हुई होती है यानी आपने बहुत सारी चीजें देख रखी होती हैं और आपको आइडिया होता है लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप डाटा डाटा को मेमरी में नहीं लेकर आते अच्छा क्योंकि आपकी फॉरी रिटेन रिटेनेबल मेमरी में नहीं होता तो आपको लगता है कि कोई मेरे पे गैब से ख्याल आया होता आपके सब कॉन्शियस है जीटी रोड पे आप जाते जाए मेरी बचपन की एक आदत थी तो उसमें मैं फॉर एग्जाम्पल कोई बाबा कुल्फी वाला जा रहा है असगर टायर वाला है फलां वाला है फ्लां वाला है फ्लां वाला है फ्लां वाला, है, वाला है। अच्छा उसमें बाजू का कभी अजीबो गरीब प्रोडक्ट्स के ऊपर भी नाम पड़ गए नट बोल्ट फ्लां फ्लॉ फ अच्छा जब मुख्तल चीज़ों पर जब नाम पड़ते रहते हैं तो एक दो दफा मैंने ऐसी बात की तो मैंने कहा फलां ये चीज़ यहां से यहां से यहां से मिल जाएगी अच्छा उन्होंने कहा सप्लाई चेन में आपने असल में रॉ मटेरियल पे आपका अच्छी ग्रिप है इस वजह से आपने हमें सप्लाई लाइन बता दी कि कहां से आएगा एक्चुअली इंट्यूशन नहीं थी लेकिन क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस में था तो वो इंट्यूशन बन गई सो so, इसका इंट्यूशन जब तक मेरी लॉजिकल यानी किसी टचबल मेजरेबल चीज में नहीं बनेगी वो लॉजिक नहीं कहलाएगी तो यहां पर शंपीटर साहब कहते हैं कि इंट्यूशन मस्ट बी मस्ट हैविंग द कोरिलेशन विद लॉजिक। अब वो कहते हैं कि दिस अ की रोल इन क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस थ्रू प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ये कैसा आइडिया है जिस पर मैं बहुत बात करना चाहता हूं लेकिन आ, इसके आने वाले मॉड्यूल्स पर हम बात करेंगे याद रखिए कि आपका दिमाग क्रिएट करने की सलाहियत रखता है लेकिन सबका नहीं कोशिश करें कि अपने आप को बड़ी जल्दी संभाल लें समझ जाएं तलाश वेदर यू आर अ गुड फॉलोअर और यू आर वन आउट ऑफ बिलियन आप लीडर है लेकिन अगर आप समझेंगे आप so, ऐसी बन जिस पे आपको हर आदमी लीडर मिलेगा फॉलोअर मिलेगा ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं चलती ट्राई टू बी दॉलोअर एन एफ यूर अन इशोर यूर सेल्फ देट यू आर अ रियल लीडर बताना पड़ेगा लॉजिकल रिलेशनिंग के साथ देन ियल स्ट्रेटी टेन टू अवॉयड इन फेवर ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रोरियल एबिलिटी एंड सेम एज ही रोल एज एन एक्सप्लोर शंप्यूटर साहब कहते हैं कि जो आंटरप्रन्योर है वो होता ही एक्सप्लोर है वो मेरे मुताबिक भी वो इंट्यूटिव होता है वो एक्सप्लोरर होता है फिर उसके मुताबिक वो एवेल्युएट करता है वो जजमेंट्स लेता है और उसके बाद डिसीजन मेकिंग करता है एंड जैसे वो कायदे आजम के लिए एक बहुत मशहूर कहावत है कि वो फरमाते थे कि टेक द डिसीजन मेक इट राइट एंटरप्रेन्योर के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो पहले आउट ऑफ लॉ समथिंग चीजें डेवलप करते हैं बासुकात वो ऐसी चीज बनाता है जिसके लिए लॉ भी नए लेकर आने पड़ते हैं मतलब एक चीज ही नहीं है तो उसका लॉ कौन से आएगा आपके कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी कुरानी आयात ऐसी हैं जिसके बारे के अंदर आपको नहीं मिलेगा फिर उस हालात उमार वजाद को देखते हैं कि हदीस में मिलता है अगर वहां नहीं मिलता तो आप ताबेन तबा ताबेन और उनके अंदर से तलाश करते हैं जब रवायत कहीं से नहीं मिलती तो उसको इश्तेद कहते हैं और इश्तेद कौन लोग करते हैं वो जो सब कुछ जानने के बाद भी एक नई चीज़ के अंदर अपनी कोई नया कानून साबित करने की एक अहलियत रखते लेकिन वो कुरान से हट कर नहीं होनी चाहिए सेम एज नहीं हो सकता कि आप नया डिसीजन के लिए नए लॉज बना रहे हैं। लेकिन वो ये कह दें कि अफगानिस्तान के अंदर जो है नब्बे फीसद ब्लैक इकोनॉमी है तो उसको मैं लीगलाइज कर दूं ऐसा नहीं हो सकता आप इलीगल को लीगलाइज नहीं कर सकते ऐसा लॉ नहीं बना सकते ऐसी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते ये मैंने क्लियर करना मुनासिब समझा कि आप क्रिमिनलिटी uh, को लीगलाइज कर दें नहीं ऐसा नहीं हो सकता द नोशन ऑफ द आंटरप्रनोरियल जजमेंट इज स्पोर्टेड एज अ फैन ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटी इन इट सेटेनिटी इज जस्टिफाई वन फैक्टर इन आंटरप्रनोरियल डिसीजन मेकिंग फॉर द शम्पीटर फॉर द नाइट इट इज डिटर्मेंट सो इन दैट केस शम्पीटर और नाइट बराबर हो गए थैंक यू वेरी मच